नमस्कार, मैं रविकांत भगत। मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समझ ये प्रस्तुत करने वाले हैं कि DL में दाखिला के लिए आपका क्या अर्हता होगी, कौन सा योग्यता रखते हैं आप जो इस DL कोर्स में आपको दाखिला मिल सकता है, और क्या आवश्यक प्रावधान क्या होगा, आपका उम्र क्या होगा, इसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। तो डीएलएड में नामांकन संबंधी विभागीय पत्र जो झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के आदेशानुसार कार्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कुल्हान प्रमंडल चाईबासा से निर्गत किया गया है, जिसका विज्ञप्ति संख्या है 02/2018। ये इस पत्रांक के आलोक में कहा गया है कि निर्देशक प्राथमिक शिक्षा सह संयुक्त सचिव मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 1684 दिनांक 17/9/2013 के क्रम में सरकार के प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 1382 दिनांक 20/5/2004 एवं पत्रांक 2102 दिनांक 28/7/2004 तथा पत्रांक 236 दिनांक 25/1/2006 विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 3/8/2012 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से मान्यता प्राप्त राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय / जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के सत्र 2017 से लेकर 2019 में 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण में नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया पूरा करने के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को प्राधिकृत किया गया है। उक्त विज्ञप्ति में DL में नामांकन के संबंध में जो पात्रता निर्धारित किया गया है उसमें से हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। इसमें से प्रथम में है कि शैक्षणिक योग्यता। विभागीय पत्रांक 1382 दिनांक 20/5/2004 के क्रम में संशोधित विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 3/8/2012 के द्वारा 2 वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / परिषद से उच्च माध्यमिक परीक्षा या इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ एवं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये रहा आपको शैक्षणिक योग्यता। उसमें आवासीय के लिए जो निर्धारित किया गया है जो है कि आवासीय में एक नंबर में है जो झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा के में जन्म लिया हो, उनके पालकों के जीवित न होने की स्थिति में झारखंड राज्य में कम से कम 15 वर्षों से निवास कर रहे हो। 2 नंबर में है जिनके माता पिता का झारखंड राज्य की सीमा में 5 वर्षों से अचल संपत्ति हो। 3रा नंबर कि आवेदक या उसके पालक झारखंड राज्य में 5 वर्षों से कोई अचल संपत्ति उद्योग या व्यवसाय रखते हो, या आवेदक अपनी शिक्षा झारखंड राज्य में किसी शिक्षण संस्थान में कम से कम 7 वर्ष तक प्राप्ति की हो, या झारखंड राज्य से उच्च माध्यमिक परीक्षा +2 इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। 5 नंबर में है कि झारखंड राज्य जो आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं में अधिकारियों की संतान पति या पत्नी हो, आवेदक को पिता मूल निवासी परिभाषा के अंतर्गत आते हो, या सैनिक सेवा के कारण झारखंड राज्य में पदस्थापित नहीं हो सके हो तो आवेदन दे सकते हैं। 7 नंबर में झारखंड राज्य अथवा झारखंड
के स्थानीय निवासी के परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी हो। 8 नंबर भूतपूर्व सैनिक के बच्चों के लिए संस्थानों में प्रवेश हेतु मूल निवासी प्रमाण की छूट होगी। 9 वैसे अभ्यर्थी जो कश्मीर से आए हुए विस्थापित परिवार के हो तथा जिनके पालक में से कोई भी झारखंड राज्य के शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हो। झारखंड के माननीय संसद, पूर्व संसद, विधायक, पूर्व विधायक एवं पूर्व पार्षद के पुत्र या पुत्री हो। आवेदन पत्र के साथ आवासीय प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा। 12 नंबर में विवाहित महिला अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य की हो और इस राज्य में उनका ससुराल हो तो ये अपना आवासीय प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करे। पति के आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर पत्नी का दावा मान्य नहीं होगा। उम्र सीमा में जो पात्रता बनाया गया है उसमें आपको आवेदक की उम्र 1 जुलाई 2017 को न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य होगा। तो ये रहा आपका डीएलएड में नामांकन के लिए जो पात्रता निर्धारित किया गया है उसका मुख्य अंश। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।